हाँ चलो आज ये सम को मैं तीन मेथड में आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। यहाँ दिया हुआ x प्लस टू वाई इक्वल्स टू माइनस वन, टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू ट्वेल्व। तो यहाँ पे ऑलरेडी x है, यहाँ पे 2 है, तो मैं यहाँ इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो मेरे को 2x हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस टू। और सेकेंड इक्वेशन लिख दो x माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू ट्वेल्व। तो यहाँ दोनों प्लस में है तो सिंबल चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगा, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस, सॉरी गलती से कट गया, ये कट गया। तो 4 प्लस 3 ये भूल जाने का आपको, अभी 4 प्लस 3 7 वाई, और ये दोनों माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस 14, तो वाई इक्वल्स टू माइनस 14 डिवाइडेड बाई 7, तो ये आ गया माइनस 2। वाई इक्वल्स टू माइनस 2 आ गया, तो अपन कोई भी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन पुट कर लेते हैं। नाउ वाई इक्वल्स टू माइनस 2 पुट इन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो x प्लस टू वाई इक्वल्स टू माइनस वन, x का x रहने दो, y का जगह पे लेगा तो y का वैल्यू कितना है, माइनस टू आया अपने को, तो x माइनस फोर इक्वल्स टू माइनस वन, x इक्वल्स टू माइनस वन, और ये इस साइड आ गया तो क्या हो जाएगा प्लस फोर, तो ये आंसर आ गया x इक्वल्स टू थ्री। चलो उसी सम को अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। आपको पता है ये वाला नंबर को यहाँ लेना पड़ेगा, ये वाले को यहाँ पे, मतलब x प्लस टू वाई इक्वल्स टू प्लस वन, और यहाँ पे माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू ज़ीरो। तो वैल्यूज लिख लो, a1, a2 का वैल्यू क्या है, a1 का यहाँ पे x 1 है और यहाँ पे 2, b1 का 2, b2 का माइनस 3, c1 का प्लस 1, c2 का माइनस 12, x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1। अब x का वैल्यू फॉर्मूला तो याद है, मैंने आपको बताया हुआ था, b1 into c2 minus b2 into c1, c1 into a2 minus c2 into a1, a1 into b2 minus a2 into b1, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, b1 का वैल्यू कितना है 2, c1 का, c2 का कितना है माइनस 12, B2 का कितना है माइनस 3, C1 का 1, तो ये हो जाएगा माइनस 24 प्लस 3, तो x इक्वल्स टू माइनस 21। एक एक नंबर को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे y, C1 का वैल्यू कितना है 1, A2 का 2, माइनस C2 इज माइनस 12, और A1 1, 2 वन ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस 12, तो y इक्वल्स टू 14। उसी तरह से इसका भी, a1 का कितना है 1, b2 का है माइनस 3, माइनस a2 का कितना है 2, b1 का है 2, माइनस 3 माइनस 4, तो ये आ गया माइनस 7। लास्ट अब तो पता है आपको, दोनों को आमने सामने रखो, 1 बाई माइनस 7 को, माइनस माइनस कट गया, 7 वन 7 थ्री ज़ा, तो x इक्वल्स टू, ये यहाँ आ गया, तो x इक्वल्स टू 3, y अपॉन 14 माइनस 7, तो ये कट गया 2, ये वाला यहाँ गया, तो माइनस भी है यहाँ पे, तो माइनस 2 हो गया, तो ये आ गया x3। और ये चलो अभी इसी सम को अपन सब्स्टिट्यूशन में करेंगे, x प्लस टू वाई इक्वल्स टू जीरो माइनस वन है, तो ये इजी इक्वेशन लग रहा है, तो इसको मैं बना लेता हूँ, x इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इसको यहाँ पे लेके, माइनस वन प्लस वाला जाएगा तो माइनस टू वाई, तो अभी मेरे को x का वैल्यू क्या मिल गया, माइनस वन माइनस टू वाई, ठीक है। तो नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन x हियर, पुट x इक्वल्स टू माइनस वन माइनस टू वाई, तो टू एक्स जगह पे ये वाले वैल्यू लगा दो, माइनस वन टू माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू ट्वेल्व, तो टू वन ज़ा माइनस टू, टू टू ज़ा फोर, अब ये टू को सर ले लो, तो प्लस वाला माइनस वाले साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये दोनों माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस फोर माइनस थ्री, तो माइनस सेवन वाई इक्वल्स टू ट्वेल्व, और ये टू सड़ गया तो प्लस टू, तो ये हो गया 14, तो वाई इक्वल्स टू सेवन डिवाइड में लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस टू, वाई इक्वल्स टू माइनस टू, ये माइनस टू को अभी यहाँ पे पुट करो, नाउ पुट वाई इक्वल्स टू माइनस टू,
in this equation. X minus 1 minus 2 minus minus, minus 2 2 za minus minus kya ho gaya plus 2 2 za 4 to 4 mein se 1 gaya to 3 x equals to 3 3 और माइनस 2. तो याद रखना बच्चे, सब भी मेथड में कोई भी मेथड करो आपको आंसर मस्ट बी द सेम. अगर सेम आंसर नहीं आ रहा है तो आपका आंसर गलत है.